एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोपों के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बनकर उठा। एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है, क्या कहें। जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है, शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। क्लियर एडवाइस आ गई मोदी जी की तरफ से, कहां पर आपको पैसे डालने, और पीएसयू स्टॉक्स वो कह रहे हैं यहां पर रखना है भरोसा। मोदी जी तीसरे पीएसयू बोल रहे हैं। हाँ, पहले दो कौन? एक तो रमेश दवानी साहब, जिनको मैं जानता हूँ कई सालों से, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे पहले पीएसयू कंपनियों पर जो सबसे बड़ा तेजी का व्यू उन्होंने बनाया जी। दूसरे वो तो हमारे साथ में बैठे हैं, कनेक्शन तो यहीं से है डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि हमने सरकारी कंपनियों में बार बार लगातार, मुझे याद है पिछले 2-3 साल से लगातार हमारी बहुत तेजी का व्यू रहा है, चाहे सरकारी कंपनियां हो, सरकारी बैंक हो, रेलवे डिफेंस वाली कंपनियां, और मोदी जी भी बुलिश हो गए। बिल्कुल, इनफैक्ट एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपकी, कब से पीएसयू बैंक्स पर राय आ रही है, किस तरह से आ रही है, फिर अनिल जी से पूछेंगे कि अब क्या करना है पीएसयू स्पेस में। एक बार देख लेते हैं अनिल जी की रिकमेंडेशन कब से आ रही है पीएसयू बैंक्स पर। सरकारी कंपनियां लैंड बैंक पर, एसेट मोनेटाइजेशन पर, डाइवेस्टमेंट पर, ये साल उनका है। अच्छे से अच्छे और कमजोर से कमजोर सरकारी कंपनियों के शेयर चल रहे हैं, और वजह है कि जहां ट्रिगर है, जहां री रेटिंग होने की संभावना है, जहां वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है, जहां एसेट बिक्री की संभावना है। अब ये बड़ा बदलाव है कि आप जो सरकार की तरफ से सोच और जो डाइवेस्टमेंट को लेकर या फिर एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर जो कुछ प्रोसेस हो रही है उसको आप रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, और बाजार उसके बाद ये वैल्यूएशन दे रहा है। सबकी री रेटिंग कैसी होती है, होना चाहिए, अब भी हर गिरावट में सरकारी कंपनियों में निवेश के मौके। सरकारी कंपनियों की और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर्स, पहले आपको सरकारी कंपनियों में एक बार पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा, वो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट हो या प्रोबेबल डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट जिनमें हो सकता है, वो कंपनियां आपको पैसा बनाकर दे सकती। ध्यान से अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ बोल्ड कैपिटल लेटर में, ये सारे सरकारी बैंक बायोन डिप चाहिए। एक चीज बहुत स्ट्रांगली मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी बैंकों पर हम बहुत पॉजिटिव हैं। रेलवे स्टॉक जो आपको समझ में आए ले लीजिए, करेक्ट, जो काम हो रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेलवे, जो आपको मतलब, दूसरी बात है कि ज्यादातर कंपनियों की प्रमोटर सरकार है, गवर्नेंस इश्यू नहीं है। यस, एग्जैक्टली, सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंकों में पैसा बनेगा ही बनेगा। अली, 2-2.5 साल हो गए जब से आप ये कह रहे हैं कि हर डिप पर खरीदना है, थीम भी आइडेंटिफाई करी कि कब कौन से पीएसयू स्टॉक्स चल सकते हैं, कौन सी थीम्स चल सकती हैं, और एज पीएसयू, तो मेरे को याद है बजट 2021 के बाद से लगातार आपकी राय आ रही है कि पीएसयू एक थीम होगी। 2021 का तो हमारे पूरी थीम ही की सरकारी कंपनियों का साल है पूरा, और 2022-23 में भी डिफेंस, रेलवे, और दीप वहां से लगभग आज फॉर एग्जांपल मझगांव रोग देखो, 2,500 रुपए का भाव है आज। रेलवे वाले सारे स्टॉक देखो, 2-2, 3-3 गुना तो रिकमेंडेशन ले, डिफेंस तो कई कई गुना हो गया। बिल्कुल, इवन सरकारी बैंक वगैरह आप देखिए, आई थिंक बहुत वैल्यू होती है, और तेजी के मार्केट में इनका क्या है, इनका एक साइकिल होता है, आपको सही साइकिल पे एंट्री मारनी है। अगर आपने गलत लेवल पे एंट्री मार दी तो आपके 5 साल गए, क्योंकि इनको सबसे लास्ट में चलते हैं जी, और फिर पूरा इंतजार करवाते हैं पूरा, फिर क्या होता है, ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि अरे इंडेक्स इतना बढ़ गया हमारा शेयर तो बढ़ा ही नहीं, तो देख लेना उनके पास सरकारी कंपनियों के शेयर निकलेंगे। हाँ, क्योंकि उनकी एंट्री गलत हुई होती है। सो अगर आप इनको लोअर लेवल पे, मैं एक कई बार जगह फॉर्मूला देता हूँ, आज फिर से एक फॉर्मूला आपको देना चाहता हूँ। अच्छा, सरकारी कंपनियों के शेयर कब खरीदने, कब खरीदने, जिस सरकारी कंपनी का शेयर आपको एफडी से ज्यादा डिविडेंड दे, डिविडेंड यील्ड, उस वक्त उसको खरीदने का मन बनाइए।
और वो कब होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, वो बैंक 8% डिविडेंड ले, तो 8% डिविडेंड इसलिए नहीं होगा, डिविडेंड बहुत ज्यादा दे रहा है, डिविडेंड उनका लगभग सेम ही रहता है, डिविडेंड कभी बहुत ज्यादा बढ़ता घटता नहीं, भाव घटता है तो डिविडेंड बढ़ के आ जाता है, स्टॉक का भाव है ना, भाव 100 रुपए चल रहा था, भाव हो गया 50 रुपए, डिविडेंड तब 4 रुपए देता था, अभी 4 देता, तो अब 8% लगेगा आपको डिविडेंड, करेक्ट? सो जब आपको FD से ज्यादा डिविडेंड आने लगे और आपकी खाली आपको एक ही फॉर्मूला लगा रहा है, इस बैंक में मैं पैसा रखूंगा कि नहीं, अगर आपको लगता है किसी PNB में आप पैसा रखेंगे ठीक है, और उसका डिविडेंड FD उसकी FD से ज्यादा, तो FD नहीं करानी है, वो शेयर खरीदना है, खरीदना है 5 साल के लिए ले लो, जो 5 साल की FD कराते हो आप, देखो डिविडेंड तो आएगा ही और शेयर का भाव आपका क्या होता है, ये तरीका है एक सिंपल लेमैन के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तो रिसर्च कर नहीं सकते कब खरीदना, हर वक्त तो टाइमिंग नहीं कर सकते, तो तब आप धीरे धीरे दिमाग लगाकर खरीदना शुरू करें, ये फॉर्मूला आपके काम करेगा, आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, अरमान करेंगे हमारे बैक टेस्टिंग करके डेटा निकालेंगे आराम से, मतलब सो मतलब बहुत पैसा बनता है, एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, एंट्री सही होनी चाहिए, इस बार तो सही एंट्री करनी चाहिए, लेकिन अब इन लेवल पे आप सरकारी बैंक कूद कूद के खरीद नहीं, अब मार्केट रिटर्न देंगे, मार्केट चलेगा उतना चलेंगे, मार्केट अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाला टाइम चला गया इनका, अब नहीं है, ऐसी बड़ी वाली नहीं आएगी, डिफेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का टाइम चला गया, सरकारी बैंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का टाइम है, अब मार्केट के साथ चलेंगे, बोले वो अब रीजनेबल सही वैल्यूएशन पे आ गए, गॉट इट, तो अभी वो लो हैंगिंग फ्रूट जो बोलते हैं जल्दी से लिया बढ़िया या रिस्क कम है वो चीज नहीं है, समझ गया सर, बट इन्वेस्टमेंट्स अच्छी, बट एक चीज है दीप जो मुझे कहना चाहिए कि मैंने पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में स्टॉक मार्केट के बारे में बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोलते हैं, एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम एवर, फर्स्ट टाइम, नो इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, ऐसा डायरेक्ट वो तो, हाँ पहले मैंने मुझे तो याद नहीं आता, अगर पहले किसी को, अगर आपको किसी को याद हो तो मुझे बताइएगा, इंटरेस्टिंग भले उनके बोलने का पर्पज जो भी रहा हो लेकिन जिक्र तो किया है, ये मतलब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत है भाई, आज जितने लोग हिंदुस्तान के मार्केट में आ रहे हैं फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ, अब धीरे धीरे जो पैसा लगा रहे हैं ये उनके लिए रिकग्निशन है एक तरह से, जी बिजनेस देखते हैं 100% कुछ डाउट ही नहीं है, और मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हर जगह आपको जी बिजनेस चलता हुआ मिलेगा, बिल्कुल सर ये तो है, और वो इस चीज़ से पता चल जाता है कि अगर हम कोई बहुत इंटरेस्टिंग कोई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तो भी हमें तुरंत पता चल जाता है, समाचार आ जाते हैं, और अगर कोई बहुत गलत या खराब कर रहे हैं तब भी समाचार आ जाते हैं, पता चलता, तो लोग देखेंगे तो नोटिस करेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको बताएंगे, बिल्कुल।